इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। बलिया जनपद उस समय हड़कंप मच गया जब होली के त्योहार से पहले ही खाद विभाग के द्वारा दुकानों पर छापेमारी करने लगे। तब मिलावट करने वाले दुकानदार ने अपनी दुकानों पर ताला जड़कर रफूचक्कर हो गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में रहने वाले हिंदुओं के त्योहारों में से एक मुख्य त्यौहार होली है और इस त्यौहार में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि लोग इन पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। इन पकवानों से इस पर्व में किसी को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का सामना न करना पड़े, इसके लिए बलिया फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने दल बल के साथ शहर के चमन सिंह बाग रोड में कई खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के दुकान पर छापा मारा और संदिग्ध खाद्य पदार्थों जैसे सरसों तेल, रिफाइंड, मार्केट में बिकने वाली रंगीन चिप्स और पापड़ जैसे तमाम खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया, तो वहीं खाद्य पदार्थों को सील कर बेचने पर रोक लगा दिया। होली को देखते हुए खाद्य विभाग के कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जहां कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रफूचक्कर हो गए हैं। होली के अभियान आया हुआ है, उसमें खाद्य तेल, वनस्पति घी, नमकीन, चिप्स, कचरी, पापड़ के नमूने लिए जाने हैं ताकि आम जो ये रंगीन मार्केट में कचरी मिल रही है ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये गणपति टेलर्स की शॉप पे, इनके यहाँ से एक गोल्ड हिरन राइस ब्रांड ऑयल का नमूना लिया गया और इसमें 449 लीटर तेल जो है इनका सीज किया गया है। इसका वैल्यू जो है 638,614 रुपये है। इन्हीं के बगल में एक प्रतिष्ठान कचरी का है और जहाँ से दो कचरी के सैंपल लिए गए हैं और इसमें 20 किलो के 52 बोरी कुल टोटल 1084 किलो कचरी सीज किया जा रहा है, जिसका मूल 32,670 रुपये है। और ये लगातार तेल और घी और वनस्पति, नमकीन, कचरी, चिप्स के खिलाफ लगातार 10 तारीख तक अभियान जारी रहेगा। कोई गाइडलाइन है आप लोगों शासन का आदेश है, शासन से आदेश है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।